दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से होता है, यानी कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो बच्चों दो विधियां हैं, एक सामूहिक व्यय विधि है, दूसरी बचत और निवेश विधि है। इस वीडियो में हम आप बच्चों से सामूहिक व्यय विधि के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मैं आपको एक अलग से समझा देता हूं। हम बात कर रहे थे बच्चों दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से दो क्षेत्र हैं, पहले एक बार हम वो समझ लेते हैं। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक होता है हमारा, जो आपने आय का चक्रीय प्रभाव भी पढ़ा होगा, एक होता है गृहस्थ, जिसको कि आप उपभोक्ता भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है फर्म, जिसको कि आप उत्पादक भी बोल सकते हो। तो हमने अभी यह माना कि जो गृहस्थ है वो उपभोग करता है और जो फर्म है वो निवेश करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो आपका सामूहिक व्यय होगा वो किसके बराबर होगा, सी प्लस आई के बराबर। यानी कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलित जीडीपी का निर्धारण वहां होगा जहां पर वाई और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर बराबर है। यानी कि इसका मतलब है एक तरीके से कि जितना आपने उत्पादन किया उतना ही आपकी मांग आ गई। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी हैं वो समस्त वस्तुएं बिक गई, समस्त वस्तुओं की बिक्री हो गई। यानी कि न तो अति उत्पादन है और ना ही अल्प उत्पादन। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी वस्तु आपने इस कंडीशन में बनाई वो सारी की सारी बाजार में बिक चुकी हैं। ना तो अर्थव्यवस्था में अल्प उत्पादन है ना ही अति उत्पादन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम दो तराजू के वजन ले लें तो एक तरफ जो है एग्रीगेट सप्लाई है, जिसको कि आप वाई कह सकते हो, और दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड है। ये दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर बराबर है, इसीलिए इसको संतुलन की अवस्था कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने यही सब बातें लिखी हुई हैं। बेसिकली अगर सामूहिक मांग की बात करें तो सामूहिक मांग क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। सामूहिक मांग क्या होती है, सामूहिक मांग का मतलब है समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय, सामूहिक मांग, ठीक है जी। तो सामूहिक मांग किसके बराबर होती है, सामूहिक व्यय के बराबर होता है, क्योंकि जितनी वस्तुओं की मांग करते हैं इसका मतलब हमने उतना पैसा व्यय किया है। और ये किसके बराबर होता है, उपभोग प्लस निवेश के, ठीक है जी। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक पूर्ति जब आप उसको उत्पादन के लेवल पर लेकर आओगे तो उसको हम आय भी बोलेंगे, राष्ट्रीय आय भी बोलेंगे, और आय के दो हिस्से हो जाते हैं, उपभोग और बचत। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों इस स्थिति में कि संतुलन की स्थिति में एग्रीगेट डिमांड और वाई हमेशा बराबर बराबर होते हैं। तो बच्चों हम दो कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जो आपका व्यय है वो ज़्यादा है वाई से। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है वाई से। तो अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन में लेकर आएगी, तो अगर मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड कम है तो इसका मतलब है कि कुछ वस्तुएं क्या रह गई, बिना बिके रह गई। यानी कि कुछ वस्तुएं जब बिना बिके रह जाएंगी, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो डिमांड मान लीजिए आपकी आई, एग्रीगेट डिमांड आई मान लीजिए 100 की, जबकि आपने उत्पादन किया हुआ 150 का, तो इसका मतलब है कि 50 रुपए की वस्तु बिना बिके रह गई। इसकी वजह से जो उत्पादक है, ये मैं बाद में बता दूंगा, उत्पादक जो है वो क्या करेगा, उत्पादन में कमी करेगा,
क्योंकि उसको अपना बिना बिका स्टॉक भी तो निकालना है। उत्पादन में कमी करने से जो रोजगार का स्तर है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ जो आय का स्तर है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि एग्रीगेट डिमांड और वाई बराबर नहीं हो जाते। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तुएं बिना बिके रह जाएंगी तो जो अनडिजायरेबल स्टॉक है, अवांछित स्टॉक, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हम दूसरी कंडीशन हम लेके चलें कि मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है वाई से। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिमांड आ गई 100 की, जबकि वास्तव में उत्पादन कितने का हुआ है 100 का। तो इसका मतलब है कि जो वांछित स्टॉक है आपका, जो वांछित स्टॉक है यानी कि जितना स्टॉक आपने बना रखा है जरूरत के लिए, वांछित स्टॉक में कमी आएगी। मतलब आपने क्या कर रखा था कि 100 गुड्स एक्स्ट्रा बना रखी थी, उस स्टॉक में कमी आएगी। तो इससे क्या होगा कि उत्पादक जो है वो उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं हो जाते। तो कहने का सिंपल मतलब यह हुआ कि एक इकोनॉमी में हमेशा सामूहिक मांग और जीडीपी बराबर बराबर होते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में कभी असंतुलन होता भी है तो बाजार के अंदर वो शक्तियां मौजूद होती हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था एक बार फिर से संतुलन को प्राप्त कर लेगी। बच्चे इसी बात को हम, आप चाहोगे तो हम एक तालिका के थ्रू भी आपको समझा सकते हैं। देखिए टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हमने आय का स्तर मान लिया, ये हमारी आय का स्तर है। मान लीजिए आय हमने ले ली 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो ये हमने मान लिया है। तो इससे होते हैं, एक होता है सी बार प्लस बी वाई। इसका मतलब हमने ये मान लिया कि हमारा 40 स्वचालित उपभोग है और 0.6 वाई हमारा एक तरीके से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे आएगा 40। यहां पर आप लिखोगे तो यहां पर आपका आएगा एक तरीके से 60 में 100, 160, 220, 280 आप करके देख लीजिएगा, और 340। सिर्फ वाई की वैल्यू पुट करनी है और आपको वह वैल्यू निकल जाएगी। आई को हमने, इन्वेस्टमेंट को हमने स्वचालित मान लिया है, यानी कि हमने ये मान लिया है कि ये वो निवेश है जो आय के सभी स्तरों पर समान रहता है। इसका मतलब ये सभी स्तरों पर 80 रहेगा। और इस केस में जब हम बात करते हैं सामूहिक व्यय की, एग्रीगेट डिमांड की, तो आप एग्रीगेट डिमांड कह लो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो, एक ही बात है, सी प्लस आई का जोड़ होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में यह हो जाएगा 120, 180, 240, 300, 300, 60 एंड 420। ठीक है जी बच्चों, इसका मतलब इस स्थिति में देखिए, यहां पे स्थिति में संतुलन में क्यों है, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितना आपका उत्पादन है उतनी हमारी मांग है, इसलिए संतुलन की अवस्था है। ऊपर वाली सभी स्थितियों में, इस यहां से लेके यहां तक की स्थिति में आप देख पा रहे हो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है वाई से। इसका मतलब एक तरीके से कि जो मांग अतिरिक्त की स्थिति है, एक्सेस डिमांड की स्थिति है। ठीक है जी, यानी कि मांग अतिरिक्त है जिसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि मांग में अतिरिक्त है, जिससे क्या होगा आय का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ेगा
और ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि ये यहाँ पे नहीं पहुँच जाता। नीचे वाली स्थिति में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मांग अल्पता है, यानी कि शॉर्टेज है डिमांड का। इसका मतलब हमारी मांग कम है जबकि उत्पादन जो किया गया है वो ज़्यादा है, यानी कि इस स्थिति में एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है वाई से, जिसकी वजह से उत्पादन कम होगा, उत्पादन गिरेगा, आय गिरेगी और धीरे धीरे प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि यह संतुलन की स्थिति में नहीं पहुंच जाता। तो बच्चों ये इसका तालिका द्वारा किया गया स्पष्टीकरण है। अगर हम बात करें चित्र द्वारा स्पष्टीकरण की, तो चित्र द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं आय का स्तर और यहां पे मैं लिख देता हूं सामूहिक व्यय। तो बच्चों जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है वैसे वैसे सामूहिक व्यय जो है वो बढ़ रहा है। इस तरीके का डायग्राम बनेगा, आप देख सकते हो यहां पे। यहां पे आपको यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे जैसे हमारी आय का स्तर बढ़ रहा है, पहले तो जब आय शून्य है तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो 120 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी आय शून्य होगी तो इसकी शुरुआत 120 से होगी, और जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। अगर बच्चों हम आय का कर्व बनाए, आय का मतलब एग्रीगेट सप्लाई, तो आय में और एग्रीगेट सप्लाई में बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है, तो 45 डिग्री एंगल ले लेगा, इसका मतलब अनुपातिक संबंध है। और ये जो है ये एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, तो जिस स्थिति में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगी, जो कि स्थिति ई है, इस स्थिति में संतुलित राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाएगा। अगर हम बात करें इस लेवल पे वाई वन लेवल पे, तो देखिए वाई वन लेवल पे आपको क्या मिल रहा है, वाई वन लेवल पे आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो शॉर्ट है वाई से, इसका मतलब डिमांड कम होने की वजह से उत्पादन गिरेगा और धीरे धीरे करके ये उत्पादन तब तक गिरता रहेगा जब तक कि ये इस पॉइंट पे नहीं आ जाता। इसी तरीके से अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इस लेवल पर है, यानी कि ये हमारा वाई टू का लेवल है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे यहां पे आप देख पा रहे होंगे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है आउटपुट से, यानी कि उत्पादन इतना है डिमांड इतनी है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा और इस लेवल पे आके इक्विलिब्रियम लेवल ले आएगा। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं हो जाते, बाजार में मौजूद शक्तियां उनको बराबर कर देंगी। मान लीजिए आप क्या करते हो, छोले भटूरे आप बेचने की दुकान खोलते हो, आपने क्या किया 100 प्लेट छोले भटूरे बनाए और जो डिमांड आ गई वो 150 की आ रही है, आपको लग रहा है तो आप ज्यादा उत्पादन करोगे, स्वाभाविक सी बात है। और अगर आपने मान लीजिए 150 का उत्पादन किया और डिमांड केवल 100 की आ रही तो कम उत्पादन करोगे, और अल्टीमेटली तब तक करते रहोगे जब तक कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं हो जाती या डिमांड सप्लाई बराबर नहीं हो जाती। यही बात इकोनॉमी में भी लागू होती है बच्चों सामूहिक रूप से। इसका हम एक बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं, मान लीजिए सी जो है, जैसा हमने टेबल में माना था, सी की वैल्यू हमने मान लिया 40 प्लस 0.6 वाई, आई की वैल्यू मान ली हमने 80, तो किस तरीके से संतुलन होगा, वाई जब किसके बराबर होगा सी प्लस आई के, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सी प्लस आई के बराबर होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, प्लस 80 और ये इस तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब वाई को एक तरफ ले लेंगे तो यहां पर बचेगा y माइनस 0.6 वाई इक्वल टू 120, तो ये बचेगा 0.4 माइनस करोगे तो y में से 120 माइनस डिवाइड कर देंगे 0.4, तो जो आंसर आएगा वो 300 ही आएगा। तो आपने टेबल के माध्यम से समझा, आपने चित्र के माध्यम से समझा, आपने इक्वेशन के माध्यम से समझा, हर कंडीशन में अगर आप यही इक्वेशन लोगे तो इक्विलिब्रियम लेवल आपका 300 ही रहेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक और पॉइंट हम इसमें कवर कर रहे हैं, वो है सामूहिक व्यय में परिवर्तन। देखिए मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूं कि सामूहिक व्यय में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संतुलन पर प्रभाव, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों,
मैं यहां पे वृद्धि दिखा रहा हूं, उसी तरीके से आप कमी भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं कमी नहीं वृद्धि वृद्धि दिखाऊंगा। ये मान लीजिए आपका सामूहिक व्यय है, ये किससे मिलके बना है, ये आपका सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, इससे मिलके बना है आई बार। इसी तरीके से हम यहां पे और लिख लेते हैं, ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, किससे मिलके बना है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा बच्चों, y का लेवल हमने ये ले लिया, इक्विलिब्रियम लेवल को हमने e बोल दिया है, जीडीपी का स्तर y हो गया, यहां पर हम लिख लेते हैं आय का स्तर, और यहां पे लिख लेते हैं सामूहिक व्यय। सेम डायग्राम है, किसी तरीके का अंतर नहीं है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने यहां लिख लिया, नीचे आय का स्तर लिख लिया, इक्विलिब्रियम के लिए हम यहां पे y ले गए, ये हमारा e हो गया। ठीक है जी, अब मान लीजिए कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का स्तर में वृद्धि होती है, तो यहां पे दो कंपोनेंट है, एक c बार है, i बार है और by है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि, और ये वाला जो है, ये तो है हमारा ऑटोनोमस स्वचालित, तो अगर स्वचालित व्यय में वृद्धि होती है, यानी कि या तो स्वचालित उपभोग बढ़ जाता है या स्वचालित निवेश बढ़ जाता है, तो ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ये समान रूप से ऊपर की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, और इस स्थिति में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1 और जीडीपी का लेवल हो जाएगा Y1, यानी कि आपकी जीडीपी का स्तर बढ़ जाएगा और सामूहिक व्यय का स्तर भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है। इसी तरीके से अगर हमारा ये जो बी है ये चेंज होता है, ये जो बी चेंज होता है, तो बी चेंज होने का असर इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पर पड़ने वाला है। इसका मतलब अगर बी में कट चेंज आती है तो देखिए इस तरीके से जाएगा, ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऊपर की तरफ गया है, इसका मतलब ये A0 से A1 हो गया। आप ध्यान से देख पा सकते हैं बच्चों, A0 से A1 हो गया, और जो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया वो हो गया E1, और इस केस में जीडीपी का स्तर हो गया Y1, यानी कि आय का स्तर बढ़ गया, तो बढ़ेंगे दोनों स्थिति में। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि या तो स्वचालित उपभोग बढ़े या एमपीसी बढ़े, ये दोनों ही स्थिति में आपका आय का स्तर बढ़ेगा, लेकिन इस स्थिति में अगर सी बार में या आई बार में वृद्धि होती है तो ये पैरेलली ऊपर चला जाएगा, और अगर एमपीसी बढ़ती है तो ये नॉन पैरेलली ऊपर जाएगा। बच्चों यही सारी बातें आपको समझनी है, तो इस वीडियो में इतना ही हम आपको करा रहे हैं, अगली वीडियो में हम आपको बचत और निवेश विधि द्वारा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का संतुलन किस तरीके से होता है उसको डिटेल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।